नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये थुन पो। दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, रिटायर होने वाले थे अंजनी कुमार सिंह, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई हर खबर अपने मोबाइल पर सबसे पहले पा सकें। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के कार्यकाल को 3 माह का एक्सटेंशन मिला है। वह 28 फरवरी को रिटायर होने वाले थे। अंजनी सिंह को मिले एक्सटेंशन को उनकी काम करने की छवि का फल माना जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि शिक्षकों और सरकार के बीच में समान काम समान वेतन को हो रही लड़ाई को लेकर भी अंजनी कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति का आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि जिस कमेटी का गठन हुआ है अंजनी कुमार सिंह भी उस कमेटी का एक हिस्सा है, तो उनकी राय सरकार के लिए काफ़ी मायने रखती है। अंजनी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने सीएम के कई ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में 2 बार मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें रिकॉर्ड बनाया सरकार ने। वर्तमान में वह बिहार सरकार के कई विकास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक अहम व्यक्ति के रूप में वो नीतीश कुमार के लिए उभर कर सामने आए हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार ने उनके रिटायरमेंट को रोक दिया है और एक्सटेंशन दे दिया उनको 3 माह की सर्विस का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।